दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्मशाला में भी भारत ने बेसबॉल को धोया। यशस्वी ने अपने बल्ले से दोहरा शतक जड़कर रचा नया कीर्तिमान। उनका साथ निभाते हुए ध्रुव जुड़ैल के साथ जडेजा और गिल ने भी अंग्रेजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए 200 साल की गुलामी का बखूबी बदला पूरा किया। वहीं आखिर कैसे रोमांचक पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम में बना डाले 550 से अधिक रन, कैसे इतिहास में पहली बार एक ही दिन में लगे 3 तूफानी शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन और कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया है टीम इंडिया का स्कोर, इन सब के साथ साथ इस रोमांचक मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी गिल और जडेजा में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 3-1 से टेस्ट सीरीज में कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया धर्मशाला के मैदान पर भी अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रही थी और भारत को हल्के में लेना एक बार फिर इंग्लिश टीम को बड़ी भूल साबित हुई। पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक बार फिर सफेद जर्सी में इनफॉर्म कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान उस वक्त दंग रह गया जब रोहित शर्मा को बिना खाता खोले ही जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। उनके आउट होने के बाद अब पिछले मैच के हीरो गिल टीम इंडिया को संभालने के लिए उतर चुके थे। इंग्लैंड पूरी तरफ से भारत पर हावी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद नजर जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। यशस्वी ने रूट की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया। वह अपनी फॉर्म की शानदार तलाश में लग गए थे। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पार्टनरशिप बनाई और देखते ही देखते 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर यशस्वी ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़ पहले सेशन में इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी यशस्वी का बखूबी साथ निभाया और इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर 164 रन बनाए। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही यशस्वी ने गेंद को बाउंड्री बार नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया और गिल दोबारा शानदार लय में नजर आ रहे थे। देखते देखते उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर इस सीरीज में अपना तूफानी शतक पूरा किया 124 गेंद में, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरा करते ही गिल जो रूट के गेराल में फंस गए और क्लीन बोल्ड कर पवेलियन उन्हें लौटना पड़ा। उन्होंने 125 गेंद पर बेहतरीन 100 रन बनाए जिसमें 2 छक्के 10 चौके भी शामिल थे और इस रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में पिछले मैच के दूसरे हीरो ध्रुव जुड़ैल कदम रख चुके थे। मैदान पर एक तरफ जहाँ खुद यशस्वी थे, दूसरी तरफ ध्रुव भी इस मौके पर सीधा चौका नहीं छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा कि 2 विकेटों के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वह किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। ध्रुव ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जहां एक तरफ ध्रुव ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के पैरों तले जमीन खिसक गई, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दी और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। ध्रुव का यह विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। एंडरसन की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 384 रन बना लिए और ध्रुव 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो यशस्वी जायसवाल ने दिखाया जिन्होंने न केवल शतक पूरा किया बल्कि 146 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर उन्होंने रोहित के अंदाज में शानदार पुल शॉट से छक्का बटोर कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई और दूसरी तरफ उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए होनहार खिलाड़ी ध्रुव ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 114 गेंदों में पूरा किया। वह भी जो रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर अपने सपने को साकार कर दिखाया, जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई और इन दोनों ने इंग्लैंड की शामत ला दी। ये दोनों बेरहमी से इंग्लैंड की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते एक ओवर में लगातार 4 छक्के जड़कर ध्रुव 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर गए। हालांकि एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था, 150 रन बनाकर एंडरसन ने उन्हें आउट कर दिया। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली। यहां तक कि उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने पाटीदार आए, केवल 9 रन बनाकर चलते बने टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन अब इंग्लैंड की उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे रविंद्र जडेजा। आते ही उन्होंने गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी यशस्वी और जडेजा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भी इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाया और देखते ही देखते जड्डू ने केवल 39 गेंद में अर्धशतक पूरा करके हर किसी को होश उड़ा दी और उनका बल्ला बोला नहीं आज दहाड़ रहा था। यशस्वी ने जो रूट की गेंद पर बेहतरीन चौके से लगाकर इस सीरीज में अपना 3रा दोहरा शतक ठोक दिया। वे अलग ही मूड में थे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। उसके बाद भी रुकना क्या होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जे उड़ाते हुए दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 4 विकेट नुकसान पर 582 रनों तक पहुंचा दिया, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली।
यशस्वी 224 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 11 खतरनाक छक्के और 16 बेहतरीन चौके भी लगाए। जडेजा ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए। 88 रनों की अपनी यादगार पारी को जडेजा ने 6 खतरनाक चौके 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया में 5वां टेस्ट मैच अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके 4 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले मैच में 28 रनों से हार का सामना करने के बाद लगातार 3 जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया, जहां पर दूसरे मैच में भारतीय टीम ने 106 रन और तीसरे मैच में 434 रनों से जीत हासिल की और हाल ही में अब 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया। ऐसे में अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर 7 मार्च से खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो गई हैं। लेकिन इस बीच अंतिम मैच से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से अभी तक सीरीज में खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन अब अंतिम मैच में हमारी टीम के खिलाड़ी भारत को बुरी तरीके से परेशान करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी टीम के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है और हमारी टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को परेशान करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास अभी तक सीरीज में काफी ज्यादा मजबूती हासिल करने का मौका था, लेकिन अब हमारी टीम के पास जीत दर्ज करने का मौका है, क्योंकि हमारी टीम अंतिम मैच में खुलकर खेल पाएगी, क्योंकि इसके चलते भारतीय टीम को अब हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन हमारी टीम के पास वे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आसानी से मैच को पलट सकते हैं। हालांकि अभी तक सीरीज में हमारी टीम ने उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरीके की उम्मीद हमको इस सीरीज में अपनी इंग्लैंड की टीम से थी, लेकिन अब जाते जाते इंग्लैंड की टीम से एक बेहतरीन जीत की जरूरत है। ऐसे में अब भारतीय टीम को हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम इस समय काफी ज्यादा मजबूत है, ऐसे में हमारी टीम से अंतिम मैच में भारत बचकर रहेगा तो भारतीय टीम के लिए सीरीज में काफी ज्यादा फायदेमंद बात भी रहने वाली है। तो वहीं नासिर हुसैन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने पहले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद जीत दर्ज नहीं की थी और ऐसे में अब दूसरे मैच में भारतीय टीम को बचकर रहने की जरूरत थी, लेकिन वहां पर भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका आसानी से मिल गया था और इसके बाद भारतीय टीम ने 3 मैचों में लगातार जीत हासिल कर सीरीज को अपने नाम किया, लेकिन अब अंतिम मैच में भारतीय टीम हमसे बचकर रहे, जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत भी रहने वाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम अभी तक दबाव में थी, लेकिन अब हमारी टीम के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम को अंतिम टेस्ट मैच में अच्छे से खेलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड ने बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम की तरफ से भारत के खिलाफ अभी तक सीरीज में पहले मैच के अलावा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है और इसी कारण हमारी टीम इस सीरीज को अपने नाम करने में असमर्थ रही है, ऐसे में अब हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और अब सीरीज को शानदार तरीके से समाप्त करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को अब अंतिम मैच में हमारे खिलाफ बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भारत को उसकी सही जगह दिखाने के लिए अंतिम मैच में मैदान पर उतरने वाले हैं। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारत अंतिम मैच में हार के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम इस सीरीज को बेहतर तरीके से समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में भारत 28 रन से हार गया था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच में 106 और तीसरे मैच में 434 रन से जीत दर्ज की। तो वहीं चौथे मैच के अंदर भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। ऐसे में अब भारतीय टीम को अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर 7 मार्च से खेलना है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस दौरान भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया है, जहां पर भारतीय टीम का स्टार खिलाड़ी केएल राहुल 5वें मैच के लिए टीम से बाहर हो चुका है। आपको बता दें, केएल राहुल पहले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद दूसरे मैच में चोट के चलते बाहर हो चुके हैं और तीसरे और चौथे मैच में भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए और अब यहां पर भी 5वें टेस्ट में उनके बाहर होने की खबर सामने आई है। केएल राहुल के टीम से बाहर होने के बाद भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया है। तो वहीं भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव भी कप्तान रोहित शर्मा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा के अनुसार ओपनिंग करने के लिए वो खुद आने वाले हैं, जो टीम के कप्तान हैं और इस टेस्ट सीरीज में उतार चढ़ाव वाला प्रदर्शन करके आए हैं, लेकिन अब उनसे खतरनाक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी जोड़ीदार के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया था और इस सीरीज में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल को एक बार फिर से टीम में शामिल किया है, जो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं और अब एक बार उन्हें मौका दिया गया है। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार को
को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पर अब टीम के अंदर देवदत्त पडिक्कल को खेलने का मौका मिलने वाला है। आपको बता दें रजत पाटीदार पिछले कुछ समय से टीम के साथ खेल रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी प्रदर्शन बेहतर करते हुए दिखाई नहीं दिए, ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने उनको डेब्यू करने का मौका देने से मन बना लिया है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने सरफराज खान को 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शामिल किया गया है जो बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अब कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरैल को दोबारा से मौका दिया है जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल कर सभी को अपना दीवाना बना लिया था।